इसके पीछे का क्या रीज़न है कि हमारे मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना होकर क्वेरिटी की फॉर्म में आता है। दरअसल जब कीबोर्ड नहीं थे तब टाइपराइटर्स का यूज किया जाता था, जिसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने 1868 में किया, लेकिन उस टाइपराइटर से इतनी फास्ट टाइपिंग नहीं हो पाई जितने की उम्मीद थी। इसका कारण था कि ज्यादा यूज होने वाले अल्फाबेट एक जगह पर इकट्ठे ना रहकर कीबोर्ड के चारों ओर फैले हुए थे, जिससे उसे टाइप करने के लिए उंगली को बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता था और कई बार टाइपराइटर जाम भी हो जाता था। इस सब प्रॉब्लम को देखते हुए फिर 1870 के दशक में आया क्वेरिटी फॉर्मेट, जिसका आप आज यूज करते हैं। इस फॉर्मेट में जरूरी अल्फाबेट्स को उंगली की रीच में रखा गया, जिसके चलते आप आज इतनी फास्ट टाइपिंग कर पाते हैं। वैसे आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, कमेंट में लिखें। और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब